अच्छी थे यार, चेक करें, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। ये बिल्डिंग चेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। निसल से ना भी सुनील भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये अफ्रीकन पीपल क्राई, झंडा लगाया अभी जुनेद भाई ने, पूरा पाकिस्तानी लुक बनाई हुई है। वो तो बाजार आ गए, लेकिन ये होता है कि बंदा परेशान ना हो, घबराए ना। अगर घबराए आज मजा आएगा नाश्ता करने का। जुनेद भाई कुकिंग कर रहे हैं। जुनेद भाई मजा आ गया यार, बहुत ही मजे का बना, मतलब। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद यार आज वीडियो बना रहा हूँ, उसकी रीज़न टाइम ही नहीं मिलता। अब बिजी इतना हो गया, यूनिवर्सिटी से जॉब पे, जॉब से आए फिर सो गए, अगले दिन उठे यूनिवर्सिटी। आज वैसे यूनिवर्सिटी से ऑफ है, 3 दिन ऑफ होता है तो उन दिनों में नींद पूरी करते हैं। आज वैसे यूनिवर्सिटी से ऑफ है तो आज निकला हूँ, कुछ शॉपिंग करने का मूड है, कुछ चीज़ें अपने के लिए लेनी है, शूज़ देखने थे और एक दो चीज़ें और हैं, और एक दोस्त है उनको मिलना है, उनके घर जाना है, तो आज आपको गिरने सिटी घुमाते हैं, यहाँ पे क्या सीन होता है। आज बेसिकली बुध है, वेडनेसडे है, तो आज को यहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, जैसे पाकिस्तान में बाज़ार लगते हैं वैसे ही। तो देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ मिलता है और वहाँ पे क्या प्राइजेज होती हैं। मेरे आगे आगे दौड़ लगी हुई है उमर भाई की, मुझसे भी जल्दी में, एक्चुअली माशाल्लाह इनकी भी जॉब हो गई है और इन्होंने जाना है जॉब पे, अभी इनको भी ऑफ था यूनिवर्सिटी से, इन्होंने आज जाना था जल्दी, वरना पार्ट टाइम में जाते हैं ये पर आवर्स के हिसाब से, तो 6 घंटे के लिए इन्होंने डेली जाना होता है जॉब पर। जॉब अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी हो गई है, चारों की जॉब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमें दूसरा मंथ चल रहा है यहाँ पे, दूसरा मंथ पूरा होने वाला, 2 मंथ होने वाले हमें यहाँ पे आए हुए। अब जॉब जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरी जॉब का ये सीन है, मैंने मतलब फुल वीक जाना होता है, वीक में एक ऑफ है, मतलब मैंने जाना होता है फुल वीक, 7 से 8 घंटे मेरा तकरीबन काम ड्यूटी होती है, 6 घंटे भी कभी, तो यूनिवर्सिटी से मतलब जिस टाइम पे फ्री हो गया उस हिसाब से। उमर भाई की भी पूरा हफ्ता जाना होता है, 1 दिन ऑफ हफ्ते में, और इनका भी है 6 घंटे 6 साढ़े 6 घंटे होता है इनका। और दूसरे जो दो जवान हैं, दाऊद ने हफ्ते में 2 दिन जाना होता है और वकार ने हफ्ते में 3 के 4 दिन, मतलब स्टडीज़ के साथ एडजस्ट हो गया। जिन दिनों में उनकी क्लासेस होती हैं उन दिनों में ऑफ, जिन दिनों में क्लासेस नहीं होती उन दिनों में वो जाते हैं फिर। बाकी यार कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे थे एडमिशन्स के हवाले से, तो मैं बता दूंगा जब एडमिशन्स ओपन हुए। एडमिशन्स का बेसिकली जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना, उसमें प्रोसेस ये है कि वो अभी भी चल ही रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे उनके पोर्टल से तो अप्लाई हो जाएगा, वो सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट कर लेंगे, फ़ी भी सबमिट हो जाएगी और जब सेशन स्टार्ट होगा तो आप इधर आ सकते हैं। हेलो, अभी गाड़ी हमें मिल गई है आते ही स्टॉप पे, और भाई ये है चाइना बाज़ार, ये बिल्डिंग चेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे सब चाइना का माल है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है यार, चेक करें, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। जी ये आ गया हूँ मैं, तो उस जहाँ पे रहते हैं उनकी रिहाइश पे, उनसे मिलते हैं, क्या कर रहे हैं। निसल से ना भी, व्हाट आर यू डूइंग। ये भी सुबह सुबह सिगरेट पी रहे हैं, ये उनकी रिहाइश है जो उनको जहाँ काम करते हैं वहाँ से मिली हुई है। यहाँ जुनेद भाई थे, सुनील भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जुनेद भाई तैयारी कर रहे हैं जाने की। ये अफ्रीकन पीपल क्राई, हाउ आर यू अभी।
That's Fari. Nasal Sin? Yes, झंडा लगाया अभी जुनेद भाई ने, पूरा पाकिस्तानी लुक बनाई हुई है स्पेशल पीछे। ये भी जुनेद भाई का रूम है, तैयारी कर रहे हैं ये, निकलना हमने आज बाहर, आज हमने शॉपिंग करनी है। और ये इनके रूम का है बाहर का व्यू। ये भी मेन सिटी में रह रहे हैं, मज़े इनके, फ्री रहाइश है, कोई टेंशन नहीं, खाने पीने का खर्चा है कोई और ना ही रहने का, मज़े हैं इनके। और मतलब ये इनके घर का एक छोटा सा टूर, इधर रूम है, सामने किचन है और तीन रूम्स इस साइड पे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त घर मिला हुआ है इन्हें रहने के लिए, हर चीज़ है। ये साइड का भी चेक करें, पहाड़ एक साइड पे। जी अब निकल रहे हैं बाहर, जा रहे हैं बुद्ध बाजार जाना जुनेद भाई, पहले बुद्ध बाजार जाना, अभी बुद्ध बाजार देखते हैं क्या चीज़ है, मैं तो नहीं गया पहले, तो आज देखते हैं बुद्ध बाजार में क्या कुछ मिलता है। ये लें भी, ये है बुद्ध बाजार, बुद्ध बाजार आ गए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। टाइम कम है हमारे पास, हमने जाना है, जुनेद भाई ने भी जॉब पे जाना है। अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं यहाँ के, मतलब पाकिस्तान में 3 घंटे आगे है टाइम, ये 3 घंटे पीछे है। जी यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ होती है, हर चीज़ मिल रही है, जो नॉर्मल लाइफ की फल हो गए, कपड़े हो गए, हर चीज़ मिलेगी। ये बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से लगता है लोगों के लिए, यहाँ पे चीज़ें मार्केट प्राइस से काफ़ी कम होती हैं, फल जूते कपड़े ग्रॉसरीज हर चीज़ पड़ी हुई है। और काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह पे लगता है, काफ़ी एरिया कवर किया हुआ है इसमें, छोटा सा बाजार नहीं है। ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है और रश है लोगों का यार, मतलब ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलते जा रहे हैं हम, चलते जा रहे हैं, जितना चल रहे हैं उतना ही आगे को और निकलती आ रही हैं चीज़ें यार। कोई 15-20 मिनट हो गए हमें, 20-25 मिनट तकरीबन हो गए हमें यहाँ पे फिरते हुए। शूज़ बेसिकली लेने थे, लेकिन जो शूज़ लेने हैं हमने वो मिल नहीं रहे, सारा देख लिया। मैं बेसिकली स्केटिंग शूज़ ढूँढ रहा था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे, तो अभी बस वापस निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं और टाइम ज़ाया करने का। फिर फ्रूट की ख़रीदारी कर रहे हैं, फ्रूट यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में है, जुनेद भाई अंगूर ख़रीद रहे हैं। जुनेद भाई ने पैसे निकाले हैं। यहाँ पे तो यार हर चीज़ किलो के हिसाब से, देखिए केले किलो के हिसाब से, अभी 5 किले लिए हमें वो 25 के मिले हैं, इनकी प्राइस के खड़े वो पाकिस्तानी अच्छे खासे बन जाते हैं। अभी जुनेद भाई किलो के हिसाब से केले, हर चीज़ ही किलो के हिसाब से, अभी केले लिए हैं 5 केले हमें मिले हैं अभी पाकिस्तानी, तकरीबन 180 रुपए के, 180 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी 5 किलो के। यहाँ पे यार हर चीज़ की प्राइस अलग ही हिसाब से है, देख के हम हैरान हो जाता है जब वो प्राइस पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है कन्वर्ट करने का, बस चलें और भी चीज़ लेनी है, बस भी हो गया हमारा टाइम ख़त्म, अब हम निकलते हैं। नहीं मैंने भी यार कोई चीज़ लेनी, शूज़ देखने थे, अब शूज़ कहीं और जाके देखते हैं, यहाँ पे मुझे मिले नहीं। अभी बाहर निकल रहे हैं बुद्ध बाज़ार से, जुनेद भाई साथ है, मैंने कहा जुनेद भाई से पूछ लें कैसी गुजर रही है ज़िंदगी यहाँ पे। जुनेद भाई ज़बरदस्त है यार, आप क्यों नहीं आते इसमें, आए ना आप हमारी ये वीडियो देखा करें और हमारी तस्वीरें देखा करें, आप इंशाल्लाह ये देख के लाजमी आएंगे मोटिवेट होके, बस देख के मोटिवेट बंदा होके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आ गए ना, मतलब हर बंदे की अलग सिचुएशन है, कुछ सर्वाइव कर रहे होते हैं स्टार्ट में, ज़रा बंदे को होता है तंग होता है, मुश्किल होती है स्टार्ट में, लेकिन आस्ता आस्ता बंदा सेट हो जाता है। जुनेद भाई कितना टाइम हो गया आपको? मुझे यहाँ पे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए जुनेद भाई को, और कैसा रहा 6 महीनों का एक्सपीरियंस? जी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है। देखें पहले मुश्किल पेश आती हैं, लेकिन आस्ते आस्ते आसानी होती है, पहले थोड़े से आप जब भी आप नया बंदा कोई भी आता है, उससे पहले मुश्किल पेश आती हैं, जहरी बात है उसको लैंग्वेज नहीं आती होती, और भी काफ़ी सारी मुश्किल होती हैं, लेकिन आस्ते आस्ते आसानियाँ पैदा होती जाती हैं। लेकिन ये होता है कि बंदा परेशान ना हो, घबराए ना, अगर घबरा जाए तो फिर मसला, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है,
और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाता है। स्टार्ट में होती है, लेकिन जैसे ही आप ज़रा 4 दिन गुजारते हैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज की समझ आती है, वाकफियत आपकी हो जाती है, तो सब ठीक हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। घर वापस आ गए हम थक हार के, 2-4 चीज़ें नहीं ली और लेके घर वापस आ गए। शूज़ मुझे नहीं मिले, अभी टाइम कम था, जुनेद भाई ने जाना था जॉब पे, तो इसलिए फिर वापस आ गए। शूज़ लेने किसी और दिन चलेंगे। पता चला अभी चाइना बाज़ार पे शूज़ मिल जाएंगे मुझे वही वाले, तो चाइना बाज़ार पे देखते हैं किस प्राइस पर मिलते हैं। जुनेद भाई नाश्ता बना रहे हैं और नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त बना रहे हैं। अरे आज मज़ा आएगा नाश्ता करने का। जुनेद भाई कुकिंग कर रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, ये भी पड़े हुए हैं बर्गर और ये। जुनेद भाई कितने मज़े हम करते हैं यार, आप क्यों नहीं आते? जुनेद भाई कह रहे हैं बहुत मज़े करते हैं, आप लोग क्यों नहीं आते? साइप्रस आए, आप लोग भी मज़े करें, इंजॉय करें। जुनेद भाई ये कहाँ से सीखे हैं? ये बर्गर। हाँ ये बस रोज इसी का नाश्ता करते हैं? हाँ इसी के नाश्ता करते हैं। बड़ा हैवी नाश्ता नहीं रहता रोज? हाँ बहुत ज़बरदस्त नाश्ता करते हैं। ये पाकिस्तान में कहाँ मिलता है ये? यहाँ आए हैं, यहाँ पता चला बर्गर भी होता है, वहाँ तो पता ही नहीं था बर्गर होता है। मज़े यार यहाँ पे, यहाँ की लाइफ के अपने कुछ मज़े हैं, एंजॉयमेंट है और बाकी सब कुछ चलता रहता है साथ साथ। मैं इधर आके बैठा हुआ था भाई, जुनेद भाई की आवाज़ आ गई है, खाना हो गया तैयार, बर्गर रेडी हैं, पहुँचते हैं भाग के, भूख बहुत लगी हुई है, मैंने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया। क्या बात है यार, देख के मुँह में ना पानी आ रहा है। जुनेद भाई ने तो आज लेवल कर दिया यार, आहा मज़ा ना आ गया यार, मुँह में पानी तो आ रहा होगा देख के। बड़े मज़े के लग रहे हैं जुनेद भाई, साथ फल वगैरह भी निकाल रहे हैं, अंगूर धो रहे हैं, सेब धो रहे हैं। ठीक है भाई, हम ही करने थे नाश्ता, आप लोग भी इंजॉय करें, खाएं पिए। पाकिस्तान में तो अभी टाइम हो गया होना अराउंड 3:30-4 बज रहे होने, हमारे पास तो 12:30 हो रहे हैं अभी, 12:30 नाश्ता कर रहे हैं जुनेद भाई, जिसके बाद निकलना है काम के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में, वीडियोस मैं लास्ट टाइम एक टूर पे गया था तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, बस टाइम नहीं मिल रहा ज़रा एडिट करने का, तो जल्दी ही वो भी एडिट करके आएगी। अच्छा अली भाई कैसा लगा आपको टेस्ट? मज़ा आ गया यार, बहुत ही मज़े का बना, मतलब